Grace Gospel TV. An Interdenominational Missions TV. In association with Grace Gospel Mission. By running this YouTube channel we want to spread the true gospel of God. Like our Facebook page and YouTube channel. And watch our playlist of eternal forgiveness of sin. Thank you. सबको जय मसीह! आज फिर से आप लोग से मिलकर मैं बहुत धन्यवादित हूं आइए प्रेरितों का काम तीन अध्याय बाइबल खोलेंगे आज एक्ट चैप्टर थ्री प्रेरितों का काम तीन अध्याय एक से लेकर के दस तक हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम एक अध्याय सॉरी तीन अध्याय एक से दस तक हम पढ़ेंगे पत्रस और योहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वो प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे जब उसने पत्रस और योहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भी भीख मांगी पतरस ने योहना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर और उसने उसका दायना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बला गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कुत्ता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया तो मैंने आठ वचन तक पढ़ा यहाँ पे प्रेरितों के काम में हमें यहाँ पे एक लंगड़ा भिखारी दिखाई देता है और ये मंदिर में जाने और आने वाले लोग उनसे भीख मांगा करता था लेकिन जब ये पत्रस से मिला तो इसने इस आशा से पत्रस से मिला था कि पत्रस उसको क्या देगा कुछ तो भीख देगा पत्रस उसको कुछ तो पैसे देगा लेकिन उस समय में पत्रस ने उससे क्या कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ वो क्या है यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर तो वहां पे जब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास की दुनिया वो लंगड़ा भिकारी जानता है तो वो लंगड़ा भिकारी और भिकारी की जगह में नहीं रहा और लंगड़े की जगह में ना रहा उस समय से वो मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला भिकारी कैसे मंदिर के अंदर गया ऐसे लिखा हुआ है तो यहां उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कुत्ता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया तो इस संसार में लोग क्या चाहते हैं हर एक इंसान अपनी अपनी जगह में बैठ के वो लोग अलग अलग प्रकार की चीजें चाहते हैं लेकिन सच में पतरस ने इस लंगड़े भिकारी को यीशु मसीह नासरी दिया तो ये लंगड़ा भिकारी के पास यीशु मसीह नासरी आने से पहले यह लंगड़ा भिकारी लंगड़ा था और भिकारी था लेकिन जब यीशु मसीह नासरी उसके जीवन में आता है सॉरी जब प्रभु यीशु मसीह नासरी उसके जीवन में आता है तो ये लंगड़ा भिकारी और लंगड़ा भिकारी ना रहा यह लंगड़ा भिकारी क्या बन गया ये उछलने कूदने वाला बन गया और ये क्या बन गया यह परमेश्वर की स्तुति करने वाला बन गया और ये क्या बन गया ये मंदिर के दरवाजे पे भीख नहीं मांग रहा है ये मंदिर के अंदर जाकर के मंदिर के अंदर की दुनिया देखने वाला बन गया तो हमने पिछले दिनों में प्रेरितों का काम दो अध्याय के बारे में अध्ययन किया तो ये प्रेरितों के काम दो अध्याय में जब हम देखते हैं वहां पे पवित्र आत्मा आने के बारे में वर्णन किया गया है और कैसे इजराइली लोगों को पत्रस ने प्रचार करना शुरू किया कैसे यहूदी लोगों को पतरस ने प्रचार करना शुरू किया जब पतरस ने इन यहूदियों को इन इजराइलियों को जब सटीकता से उसने प्रचार किया तो उस समय में हम लोग देखते हैं कि कितने हजारों की तादाद में उन यहूदी उन उनजराइलियों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पाए वो लोग कैसे उन्होंने लो मन फिराव के बारे में जाना तो पतरस की जिंदगी में भी जब हम देखते हैं पतरस की जिंदगी में भी मन फिराव और सुसमाचार पर विश्वास ये मामला जब तक क्लियर नहीं था जब तक यह मामला स्पष्ट नहीं था तब तक हम लोग देख सकते हैं कि पतरस का आत्मिक जीवन कहीं भी ठीक नहीं है पतरस का आत्मिक जीवन कभी कभी अच्छा लग रहा है कभी कभी बुरा लग रहा है कभी कभी ठीक लग रहा है कभी कभी ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि पतरस के जीवन को जब हम देखते हैं यहाँ पे तीन भागों में बांटा जा सकता है तो आज पतरस ने जब इस लंगड़े भिखारी को तीन अध्याय में मिला तो पत्रस को लगा इसको मैं सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज इसको मैं क्या दे सकता हूं जो मेरे पास है मैं उसको दे सकता हूं वो क्या है मेरे पास में से नासरी है अगर तू सच्चे में में से नासरी को अगर तू जानेगा में से नासरी कौन है तो उसके नाम में ही शक्ति है उसके नाम में तो खड़ा हो सकता है तू तो इस लंगड़ेपन से बाहर आ सकता है तो इस भीख मांगने की दुनिया से बाहर आ सकता है तो कूद कर उछल कर हाँ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ परमेश्वर के मंदिर में तू तो प्रवेश कर सकता है ऐसी बातें हम लोग देख सकते हैं पतरस के मन में तो दूसरे शब्दों में अगर मैं यहाँ कहूं तो कैसे यशुम से नासरी पतरस नाम के शरीर में अपने काम को कर रहे हैं पत्रस सटीकता से पश्चाताप और विश्वास को जानने से पहले अगर हम पत्रस को देखते हैं बाइबल में और वही पत्रस जब पश्चाताप और विश्वास को जानता है मन फिराव और सुसमाचार को जब पत्रस जानता है और पत्रस जब पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन जीता है तो वहां पे हमको पत्रस दिखाई नहीं देता वहां पे हमको यशुम से नासरी दिखाई देता है तो वहां पे हम पत्रस को नहीं देख सकते हैं वहां पे हम किसको देख सकते हैं यीशु मसीह नासरी को देख सकते हैं सिर्फ पत्रस ही नहीं बाइबल में जितने भी प्रभु के दास हैं उन दासों के साथ जो प्रभु ने लड़ाई की है वो क्या है आज मेरा इस विषय में मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रभु ने जिससे जिसको भी इस्तेमाल किया बाइबल में जैसे कि सबसे पहला सेवक जिसको बहुत शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल किया वो कौन है वो अब्राहम है जो हम विश्वासियों का पिता कहलाता है सही है तो अब्राहम को जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हालांकि परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया वो कब दिया था उत्पत्ति के बारह अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया तो उत्पत्ति के बारह अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को वचन वचन दिया उस समय में अब्राहम ने सुनकर वह अपने पिता का नगर छोड़ दिया और वह कनान की ओर गया लेकिन जब हम देखते हैं कनान में जाने के बाद थोड़ा देखेंगे क्या उत्पत्ति का बारह अध्याय तो मैं ये पत्रस के साथ में एक और दो सेवकों को जोड़ के मैं आप लोग के साथ बात करना चाहता हूं पहले आ, उत्पत्ति के बारह अध्याय से अब्राहम के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा फिर उसके बाद थोड़ा सा नुहा के बारे में बोलूंगा उसके बाद मैं पथरस के बारे में कंटिन्यू बोल सकता हूं कैसे पथरस के पास ये मन की दुनिया है कि एक लंगड़े भिखारी को उठ के उठा के खड़ा कर रहा है कैसे वो लंगड़े भिखारी को यशु पर विश्वास करने की दुनिया सिखा रहा है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं असलियत में तो उत्पत्ति के बारह अध्याय को अगर आप देखेंगे तो आपके बाइबल में से कृपा करके उत्पत्ति के बारह अध्याय को खोलिए उत्पत्ति के बारह अध्याय में पहली बार है जब अब्राहम पचहत्तर साल का था परमेश्वर का वचन अब्राहम की जिंदगी में आया तो ऐसे ही हर एक इंसान की जिंदगी में परमेश्वर का वचन आने का समय होता है परमेश्वर का वचन आने से पहले अब्राहम कैसे जीता था परमेश्वर का वचन आने से पहले अब्राहम कैसे जीता था अपने सोच से जीता था तो मनुष्य के मन में अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है और मनुष्य के मन में जो सोच आते हैं वो सोच को बाइबल कहता है वो निरंतर बुरे सोच होते हैं तो इंसान जो होता है अपने विवेक से अपने सोच से अपने जीवन को जीरा होता है और उसका विवेक उसको जो सही बताता है उसी बात को वो करता है उसका विवेक जिस बात पे दोषी ठहराता है वो बात वो नहीं करता ऐसे करके इंसान इन, जीना चाहता है इंसान की जीने के तरीके ऐसे होते हैं लेकिन अब्राहम भी पचहत्तर साल की उम्र तक परमेश्वर का बच्चन उसकी जिंदगी में नहीं आया अब्राहम पचहत्तर साल की उम्र में पहली बार परमेश्वर का बचन उसके जिंदगी में आता है पीटर भी सेम रीति से यीशु से मिलने से पहला यीशु से मिलने से पहले का एक जीवन है यीशु से मिला वो एक समय है यीशु के साथ में जिया वो एक समय है और एक समय ऐसा आता है हालांकि वो यीशु के साथ में तो जीता है उसके पास यीशु का वचन भी है और उसके पास अपना सोच भी है तो एक समय होता है पतरस के पास परमेश्वर के वचन नहीं है सिर्फ उसके पास क्या है उसके सोच है तो उसका सोच जो भी सिखाता है हमारा सोच क्या सिखाता है हमारा सोच इस शरीर और संसार की बातें सिखाता है हालांकि हम ये शरीर और संसार के नहीं है हालांकि हम ये शरीर और संसार को छोड़ के आज नहीं तो कल हम इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन हमारे पास परमेश्वर के वचन नहीं होने की वजह से क्योंकि हमने आदम में परमेश्वर को छोड़ दिया हमने आदम में परमेश्वर को छोड़ देने की वजह से हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है इसके लिए हम लोग पाप और मृत्यु में जन्मे हमारे पास सिर्फ अंधकार से भरी हुई सोच है हमारे मन से जो भी सोच आता है उसी सोच को हम सही मानते हैं गलत मानते अच्छा हैं अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं और जो हमको ठीक लगता है वैसे हम लोग जिंदगी जीते हैं हम लोग को ना ही ये पता है कि हम कहाँ से आए और ना ही हम लोग को ये पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं हमको ये पता नहीं है हमारा सृष्टिकर्ता कौन है हमको ये पता नहीं है सृष्टि करने वाले ने हमारी सृष्टि क्यों की हम लोग कुछ भी जाने बिना इस संसार में भगोड़े का जिंदगी जी रहे हैं ईश्वर रही जिंदगी जी रहे हैं ईश्वर को ना जानकर जिंदगी जी रहे ईश्वर को ना विश्वास करके जी रहे हैं ईश्वर की सेवा ना करते हुए हमको जो ठीक लगता है वही हम लोग करते हुए जिंदगी जीते हैं कब तक जब तक ईश्वर का वचन हमारी जिंदगी में नहीं आता तब तक लेकिन एक दिन ईश्वर हमारी जिंदगी में उसके वचन को भेजता है एक दिन ऐसा समय आता है कि ईश्वर अपना सत्य हमको प्रकट करता है उसका सत्य मतलब उसका वचन है वो अपने सत्य वचन को हमारे जीवन में दिखाना शुरू करता है उसका सत्य वचन हम पर प्रकट करता है तो मेरी जिंदगी में जब मैं 25 साल का था तब मैंने परमेश्वर का वचन प्राप्त किया अब्राहम की जिंदगी में अब्राहम जब 75 साल का था तब अब्राहम ने परमेश्वर का वचन प्राप्त प्रा, किया मुझे पता नहीं पतरस कितने साल का रहा होगा जब पतरस की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ प्रभु यीशु मसीह पतरस की जिंदगी में आने से पहले प्रभु मसीह का बचन परमेश्वर का बचन अब्राहम की जिंदगी में आने से पहले मेरी जिंदगी में परमेश्वर का बचन आने से पहले हम कौन लोग थे हमारे मन से आने वाले सोच के अनुसार जिंदगी जीते थे तो हमारे मन से आने वाला सोच हमको क्या सिखाता था खाना पहनना सोना शारीरिक लालसाएं पूरी करना सब प्रकार के आ, ये शरीर को पालने की बातें भी है नौकरी करना भी है पैसे कमाना भी है उसके साथ में क्या है शराब पीना भी है जुआ खेलना भी है बेविचार करना भी है अलग अलग प्रकार की बुराइयां भी करना है लोगों को अपमान करना इंसानों को गाली बकना इंसानों को अलग अलग रीति से व्यवहार करना किसी के साथ नफरत करना ये सब दुनिया है ये सब दुनिया कौन सी दुनिया है जिसको पाप और अंधकार की दुनिया कही गई है तो ये बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब हम लोग पाप और अंधकार में मृत्यु और अंधकार में ही थे तो उस समय में यीशु समाचार हमारे जिंदगी में आया है तो प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हमारी जिंदगी में आता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है ये वचन क्या है ये मनुष्य का जीवन है ये मनुष्य की ज्योति है तो जैसे हमने पिछले समय में योहन्ना पुस्तक को जब हमने पढ़ाई किया योहन्ना का पुस्तक पढ़ाई करते समय हमने इस बात को डिस्कवर किया था कि कैसे परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है और सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा किया परमेश्वर ने जो कुछ भी किया अपने वचन के द्वारा किया और उसके वचन के बिना किया है ऐसा कुछ भी नहीं है इसके लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने क्या जाना है परमेश्वर को जाना है और यह परमेश्वर के वचन में मनुष्य का जीवन है मनुष्य की ज्योति है तो जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आया हम वो इंसान बन गए जिसके पास जीवन है जिसके पास ज्योति है तो जब परमेश्वर का वचन आया तब हमको पता चला हमारे पाप और अपराध पहले ही क्षमा हो चुके हैं जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में आया तब हमको पता चला कि हम तो पापी नहीं है हम लोग धर्मी हैं हम पवित्र हैं और हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले ही खत्म किया है प्रभु यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए हैं परमेश्वर अब हमको धर्मी कहते हैं अगर हम आज यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हम लोग धर्मी हैं पवित्र हैं इस प्रकार के विश्वास को हम लोग क्या करते हैं प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार का विश्वास जब हम लोग प्राप्त करते हैं जिसको बाइबल में उद्धार कहा गया है या फिर नए सिरे से जन्म पाने की बात परमेश्वर ने कही है सही है तो हर एक इंसान का जिंदगी ऐसा ही है आपका हो मेरा हो तो परमेश्वर का वचन आने से पहले हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से पहले हम लोग पापी लोग हैं लो है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन आता है वो परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर का ज्योति देता है परमेश्वर का जीवन देता है और हमको धर्मी और पवित्र होने का विश्वास देता है वो हर एक की जिंदगी में ऐसा ही है अगर आप अभी भी पापी हो तो अभी तक आपके दिल में परमेश्वर के बच्चन ने जन्म नहीं लिया है अभी तक यीशु मसीह का आगमन आपके दिल में नहीं हुआ है इसके लिए आप अभी भी पापी हो अगर आपके अंदर अभी भी अंधकार है अभी भी आप ज्योति में नहीं हो तो अभी तक परमेश्वर का बच्चन ने आपके हृदय में जन्म नहीं लिया है जिसको बाइबल में नया जन्म कहा गया है और इसको बाइबल में परमेश्वर के बच्चन से जन्म पाने का दुनिया कहा गया है ये पहले पत्रस में सब बातें लिखी गई है तो जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर का बच्चन जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर क्या है अंधियारा है वो तो अंधेरे में ही चलता है इसके लिए उसको पता नहीं है कुछ भी जिसके अंदर ज्योति नहीं है जिसके अंदर अंधियारा है अंधियारा मतलब जो इंसान उसके पास सिर्फ इंसानी सोच है उसके पास ईश्वरीय वचन नहीं है उसके पास ईश्वर के वचन से नए सिरे से जन्म पाया हुआ नहीं है जिसने परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया है जिसने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है वो आदमी कौन है वो अंधकार में है इसलिए वो पापी भी है तो ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े पास्टर भी होते हैं बड़े बिशप होने दो एल्डर होने दो कोई भी होने दो लेकिन वो लोग अगर पापी हैं तो उन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को मिला नहीं है हालांकि वो लोग यीशु के नाम की सेवा कर सकते हैं हालांकि वो मिशनरी बन सकते हैं हालांकि वो पास्टर और एल्डर बन सकते हैं लेकिन अगर उन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं पाया है तो वो लोग पापी ही है और अंधकार में ही है और इसलिए उनको कहाँ जाना होगा वो नरक से बच नहीं सकते भले वो कितना भी बोले हाँ मैं परमेश्वर का सेवा किया हूँ मैंने इतना अच्छे अच्छे काम किए हैं मैंने इतना महान सेवकाई किया है मैंने इतने बड़े चर्च बनाए हैं मैंने इतने सारे लोगों को मसीहत में लाया है उसके द्वारा कोई भी इंसान स्वर्ग के राज्य को देख सकेगा ऐसा नहीं है उसके बदले परमेश्वर उनको क्या कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता कुकर्मियों मेरे सामने से चले जाओ कुकर्मियों कुकर्म करने वालों इसका मतलब क्या है तुम जिसके अंदर पाप है जिन्होंने पाप से छुटकारा नहीं पाया तो लोग क्यों पाप से छुटकारा नहीं पाते लोग क्यों अंधकार में ही है लेकिन लोग पाप से छुटकारा तो नहीं पाते लोग अंधकार से तो नहीं छूटते लेकिन बातें ज्योति की तरह करते हैं वो बातें ज्योति की तरह करते हैं इसके लिए जब वो लोग बातें ज्योति की तरह करते हैं यीशु का वचन बहुत अच्छा से सिखाते हैं प्रार्थना भी बहुत अच्छा से करते हैं बाइबल का रेवलेशन भी अच्छा से देते हैं लेकिन अंत में वो हमको क्या ठहरा देते हैं आओ हम हमारे पापों की कबूली करें चलो हम हमारे पापों की क्षमा मांगे हम लोग तो पापी लोग हैं हमारे अंदर तो पाप है हमारे पापों की क्षमा पानी है हमारे पाप धुलवाने हैं इस प्रकार की बातें करेंगे और वो लोग कभी भी पाप से छुटकारा नहीं पा सकते इनको बाइबल में क्या कहा गया है मैं ये अबराम के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा ये विषय आपको बोलूंगा ताकि आप जो वचन सुनते हैं सिर्फ वचन सुनना ही नहीं है इन सब चीजों का विभाजन भी आपको जानने की जरूरत है अगर आप इन सब चीजों का विभाजन नहीं जानोगे तो आपका आत्मिक जीवन फिर से उलझ के ही रह जाएगा इसलिए बाइबल में उनको क्या कहा गया है झूठे भविष्योक्ता कहा गया है तो झूठे भविष्योक्ता को कैसे पहचानेंगे ऐसे लिखा है झूठे भविष्य से सावधान रहो जो भेड़ों के बेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या झाड़ियों से अंगूर या उठ कटारों से अंजीर तोड़ते हैं तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा प्रभु मसीह ने कहीं नहीं कहा है तुम शैतान से सावधान रहो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो ये झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो इसका मतलब क्या है ये झूठे भविष्य वक्ता से क्यों सावधान रहने की जरूरत है झूठा भविष्य वक्ता मतलब एक झूठा पास्टर होता है ये झूठा पास्टर से क्यों सावधान रहने की जरूरत है ये झूठा पास्टर क्या करेगा जिसके कारण मुझे सावधान रहने की जरूरत है वो झूठा पास्टर है अगर वो झूठे पास्टर के मैं पीछे जाऊंगा तो मेरी आत्मा को कहां लेके जाएगा अंत में फाड़ने वाला वेड़िया बन जाएगा वो मतलब क्या है अंत में वो मुझे कहाँ लेके जाएगा नरक में लेके जाएगा हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप तो क्षमा कर दिए हैं हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे धर्मी और पवित्र बनाया है लेकिन वो पास्टर मुझे क्या विश्वास देगा नहीं तुम पापी ही हो तुम, तुम तुम्हारे पापों की क्षमा मांगना ही है तुमने तुम्हारे पापों से छुटकारा पाना ही है तुमने तुम्हारे पापों की क्षमा रोना है उपवास करना है पाप नहीं करने का कोशिश करना है ऐसे अच्छे अच्छे बातें वो लोग बोलते हैं जिसके द्वारा आप बाइबल को देखे भी ना अगर उनसे आत्मिक जीवन सीखोगे तो आप और कुछ नहीं तो विरोध धोखा ही खा सकते हो और आपको लगेगा हाँ पास्टर जी सही बोल रहे हैं पास्टर जी सही बोल रहे हैं आप निरंतर यही बोलते रहोगे पास्टर जी सही बोल रहे हैं लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे क्यों क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की सजा मौत है और लहू बाहे बिना पाप क्षमा नहीं होता बाइबल पढ़ने वाला जन क्या करता है वो पास्टर को जाके पूछता है पास्टर जी बाइबल में लिखा है पाप की सजा मौत है और खून बाहे बिना पाप क्षमा नहीं होता तो कैसे मेरी उपासना मेरे पापों को क्षमा कर सकती है मैं ये नहीं बोलता हूं कि हमने उपास नहीं करना है उपास करना है लेकिन उपास इसके लिए नहीं किया जाना है कि मेरे पाप क्षमा किए जाए क्योंकि उपास के द्वारा पाप क्षमा नहीं होते पाप की सजा है मौत और लहू बहाय बिना पाप क्षमा नहीं होता इसके लिए मैंने पाप क्षमा के लिए उपास करना नहीं है मैं दान देने से मेरे पाप धुलते नहीं है मैंने अगर कलिशाह को बहुत सारा पैसा दे दिया या किसी पास्टर को मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए या मैंने किसी को दान धर्म कर दिया या मैंने कलिशाह को जाकर के कई भी मैंने धर्म के काम कर दिए उसके द्वारा मेरे पाप धुलते हैं ये बाइबल नहीं है अगर उसके द्वारा मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं उसके द्वारा मेरे पाप धुल सकते हैं उसके द्वारा मैं प्रभु के साथ एक हो सकता तो मुझे प्रभु यशुमन मसीह को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है मुझे इस दुनिया में प्रभु यशुम मसीह की जरूरत नहीं है मैं फिर प्रभु यशु पर विश्वास किए बिना भी, भी इतना उपास करके अगर पाप धुल सकते हैं तो यशु का क्रूस पर मरना व्यर्थ है अगर मेरे थोड़ा सा उपास कर देने से अगर मेरे थोड़ा से प्रार्थना कर देने से और मेरे थोड़े से अच्छे काम कर देने से अगर मेरे पाप धुल सकते हैं तो परमेश्वर के बेटे का क्रूस पर मरना व्यर्थ है परमेश्वर का बेटा जो क्रूस पर बलिदान होता है परमेश्वर का बेटा जो क्रूस के बहाए हुए लहू के द्वारा मेरे पाप धोता है उसका मृत्यु और उसका लहू तो मेरे लिए कोई मतलब का नहीं रह जाएगा तो आज बहुत सारे लोग ये भविष्य वक्ता लोग ये झूठे भविष्य क्या करते हैं ये भविष्य वक्ता हाँ यशु तुम्हें भूत निकाल देगा यशु तुम्हारा चमत्कार कर देगा यशु तुम्हें क्या कर देगा भविष्यवाणी कर देगा यशु के नाम से भविष्यवाणी हो जाएंगी यशु के नाम से भूत निकल जाएगा यशु के नाम से चमत्कार हो जाएगा लेकिन असलियत में यशु दुनिया में क्यों आया असलियत में यशु दुनिया में जन्मा क्यों का जन्म ही हुआ है हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए का जन्म हुआ है हमें पापों से छुड़ाने के लिए लेकिन अगर आप एक भविष्यवक्ता के पीछे हो और आप दस साल चर्च जा रहे हो और अभी भी आप पापी हो तो आपने अपने भविष्यवक्ता को जानना है यह भविष्यवक्ता सच में परमेश्वर का सच्चा दास है क्या सच में इसने उद्धार पाया है क्या सच में इसने पापों की क्षमा पाई है क्या सच में ये इंसान ये पास्टर से वचन सुनकर मैं स्वर्ग में जाने का विश्वास पाया हूं क्या ये पास्टर से वचन सुन के मैंने ये विश्वास को पाया है कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं क्या मैंने यह विश्वास पाया है क्या प्रभु यीशु ने मेरे पाप का कीमत क्रूस पर चुका दिया है मैंने ये विश्वास पाया है क्या प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप धुल गए मैं और पापी ना रहा मैं अब धर्मी हूँ यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी हूँ जैसे रोमियो उसके पांच नौ वचन में लिखा है कि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो क्या सच में मैंने पास्टर से वचन सुन के धर्मी होने का विश्वास पाया है क्या या ये ये पास्टर पास्टर से वचन सुनने के बाद अंत में मुझे यही विश्वास देते हैं कि हम पापी तुम पापी जग पापी चलो पापों की क्षमा मांगे चलो पापों के लिए रोए कितना साल पापों की क्षमा मंगवाएंगे कितने साल पापों के लिए रोएंगे कितना उपास करवाएंगे कितने दान देने लगवाएंगे क्या करेंगे ताकि मेरे पापों की क्षमा हो जाए अगर इन चीजों से पापों की क्षमा होती तो परमेश्वर का बेटा पाप करने के लिए नहीं आता अगर परमेश्वर के बेटे के मृत्यु में और उसके लहू में भी मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो फिर से मेरे पाप क्षमा होंगे क्या परमेश्वर के बेटे के लहू से ज्यादा मेरी आंखों के आंसों में पाप की शक्ति है क्या परमेश्वर के बेटे के क्रूस की मृत्यु से ज्यादा मैंने मेरे मेरे शरीर के कर्मों में मेरी उपास में शक्ति है कि मेरे पाप धुल जाए या मेरे पापों से मुक्ति पाऊं और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जीऊं जी नहीं बिल्कुल नहीं तो यहां पे सटीकता से जब हम देखते हैं यहां पे प्रभु ने क्या कहा है यहां पे कहा गया है झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं तो यहां पर सबसे पहले झूठे भविष्य में सबसे पहला चिन्ह क्या है उसका भेष भेड़ का है उसका भेष भेड़ का है वो आएंगे वो बाइबल ही उठा के आएंगे वो यीशु के नाम से ही आएंगे प्रभु यीशु के नाम से ही प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम से ही बाइबल लेके आएंगे प्रभु यीशु के नाम से ही बाइबल सिखाएंगे और प्रभु यीशु के नाम से चर्च खोलेंगे प्रभु यीशु के नाम से सब करेंगे लेकिन बाइबल में लेकर अंदर में कौन है फाड़ने वाले भेड़िए हैं मतलब बाहर अलग है अंदर अलग है इनको बाइबल में प्रभु यीशु में से डोंगी कहा है डोंगी लोग ढोंगी लोग मतलब क्या है बाहर से दिखाते अलग है वो अंदर से होते अलग है तो अभी ढोंग मतलब क्या है जो है ही नहीं वो दिखाना तो अभी ये 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 झूठा को बाइबल में क्या कहा है है भेड़िया लेकिन अपने आप को भेड़ दिखाता है ये भेड़ बाइबल में किसका प्रतीक है ये भेड़ बॉनगिन क्रिश्चियन का प्रतीक है भेड़ जो है नए सिरे से जन्म पाए हुए मसीह लोगों का प्रतीक है और भेड़ को कोने प्रभु यीशु मसीह का भी प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह का भी भेड़ का प्रतीक दिया गया है परमेश्वर संतों का प्रतीक है असलित में बोला जाए तो भेड़ किसका प्रतीक है संत लोगों का प्रतीक है और संत कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से जिसने अपने पाप धुलवाए हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने पाप धुल गए ये विश्वास को पाया है जिसने प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म पाया धर्मी और पवित्र प्रभु का दास प्रभु के बच्चे ये इनको कहा क्या कहा गया भेड़ का चित्र कहा गया है इसके लिए मत्ती के पच्चीस अध्याय में भी अगर आप देखते हो न्याय के दिन में जो प्रभु यीशु मसीह न्याय की कुर्सी में बैठेगा उसकी दाहिनी ओर भेड़ होंगे और उसकी बाईर कौन होंगे आ, बकरे होंगे ऐसे लिखा है और भेड़ जो है उनको संतों को दिखाए, जो उसके दाहिनी ओर होंगे जो लोग नए सिरे से जन्म पाते हैं जो लोग पापों से उद्धार पाते हैं जो लोग नए सिरे से जन्म पा धर्मी और पवित्र बनते हैं उनको बाइबल में संत कहा गया है और उनको भेड़ कहा गया है और उनका चरवाहा प्रभु यीशु मसीह कहा गया है और वो अपनी भेड़ों को आवाज देता है और उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनती है और उसकी भेड़ का आवाज नहीं सुनती उसकी भेड़ उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती है और उसकी भेड़ पराया आवाज को पहचानती है और उसकी भेड़ पराया आवाज के पीछे नहीं जाती वो अपने चरवाहे की आवाज अच्छी रीति से जानती है और अपने चरवाहे के पीछे चलती है ये सब बातें हम लोग देख सकते हैं लेकिन यह मत्ती के सात अध्याय में पंद्रह वर्ष में ऐसा प्रभु ये ने क्यों कहा झूठे भविष्य से सावधान रहो झूठे भविष्यता से सावधान रहो क्यों कहा गया है क्योंकि उनका भेज क्या है भेड़ का है इसीलिए आप क्या देख सकते हो भेज देख सकते हो भेस आप क्या देखते हो आप जब चर्च जाते हो क्या देखोगे पास्टर का भेज देखोगे पास्टर का रूप देखोगे पास्टर ने कैसे कपड़े पहने हैं पास्टर ने कैसे टा, क्रॉस टांगा है कैसे पास्टर ने अपना नाम बदल के हाँ फर्नांडिस रखा है या फिर अपना नाम बदल के जॉर्ज रखा है या अपना नाम बदल के एक याकूब रखा है या इब्राहिम रखा है ऐसे बाहर से जब आप देखोगे उनको ऐसे दिखेंगे हाथ में बाइबल है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो प्रभु शुना, नाम की महिमा हो यीशु नाम यीशु नाम येशु नाम येशु नाम ऐसे गाना भी गा रहे हैं और आओ ब्रदर ओ सिस्टर लॉर्ड प्रभु आपको आशीर्वाद दे ऐसा भी कर रहे हैं चर्च भी चला रहे हैं कैसे आप पहचानोगे ऐसे लिखा है तुम उनके फलों से पहचान लोगे तो क्या लिखा है तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे तो क्या लिखा है अगले वचन में वो अंतर में भेड़िए है लेकिन पहचान कैसे होगी पहचान होने का कारण क्या है उनके फलों से तुम इन्हें पहचान लोगे क्या झाड़ियों से अंगूर या फिर उठकटारों से अंजीर तोड़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु एक पेड़ के बारे में पूछ रहा है क्या झाड़ियों से अंगूर आते हैं या फिर उठकटा से अंजीर तोड़ा जा सकता है क्या ऐसा हो सकता है अगर ऐसा नहीं हो सकता तो झूठा भविष्य वक्ता जो भेड़ के भेष में होता है जो अंदर से भेड़िया होता है उसके फल मतलब उसके बच्चे उसके बच्चे मतलब कौन होते उसके चर्च के, होते हैं। उसके चर्च के को हम पहचान सकते हैं कि है या है? मैं आप को ये सब क्यों बता रहा हूं क्योंकि आप ऑनलाइन के द्वारा मुझसे वचन सुन रहे हैं मैं देखता हूं हजारों लोग इस ऑनलाइन के द्वारा वचन सुनते हैं आप लोग उद्धार तो पालोगे लेकिन अगर आप एक सच्चे भविष्य वक्ता को नहीं मिल पाओगे अगर एक सच्चा पास्टर जो सच्चे में बाहर से भी भेड़ है और अंदर से भी भेड़ है अगर इस पास्टर को आप नहीं मिल पाओगे तो आपको आत्मिक दूध पीने के लिए बहुत मुश्किल होगा आप आत्मिक दूध नहीं पी पाओगे वो आपको परमेश्वर का बच्चन नहीं पिलाएंगे वो क्या पिलाएंगे वो उनको इंसान के जहरीले सोच पिलाएंगे इंसान का जहरीला सोच तो बाइबल में लिखा है कि इंसान की मुख में क्या है जोगी शर्भ का विष भरा हुआ है इंसान का मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है ऐसे इंसान के बारे में लिखा है जो इंसान जिसके हृदय में ईश्वर का वचन नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यौहर के चौथे अध्याय में वो जो कोई मुझ पर विश्वास करता उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां निकलेगी कहा गया है जो यीशु मसीह पर विश्वास करके नए सिरे से जन्म पाते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी और पवित्र बनते हैं वो भविष्य वक्ता के द्वारा उनके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलती हैं। जब वो प्रचार करते हैं पवित्र आत्मा उनके हृदय के द्वारा बहता है प्रभु का मन बहता है प्रभु के वचन का रिवलेशन बहता है और उस भविष्यवक्ता के द्वारा जब लोग वचन सुनते हैं अपने मन में ताकत पाते हैं अपने मन में विश्वास पाते हैं अपने मन में आशा पाते हैं वो तो लोग अपने प्रभु के प्रति विश्वास पाते हैं अगर वो लोग नए सिरे से जन्म भी नहीं पाए हैं तो उस भविष्यवक्ता को सुन के क्या करेंगे वो लोग नए सिरे से जन्म पाएंगे उस उस सच्चे भविष्य के द्वारा वचन सुन के क्या करेंगे पापों से छुटकारा पाएंगे धर्मी होने का विश्वास पाएंगे वो पवित्र बन जाएंगे वो लोग नए सिरे से जन्म पाएंगे वो लोग परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएंगे जैसे योहाना के चौथे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से वार्तालाप करते समय कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी वो इंसान के मन से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी मतलब क्या है परमेश्वर उसके द्वारा हमको मिलेगा ये जीवन जल की नदी मतलब कौन है परमेश्वर खुद है परमेश्वर उस मनुष्य के द्वारा हमसे मिलेगा जो इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है नए सिरे से जन्म पाया है पापी से धर्मी बना है पवित्र बना है मन फिराव और पापों की उसने पाई है और उसके अंदर पवित्र आत्मा है उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेगी मतलब उसके हृदय से परमेश्वर बहना शुरू हो जाएगा और जो भी वो इंसान से मिलेगा वो इंसान उस इंसान से मिलेगा ऐसा नहीं वो इंसान उस सच्चे भविष्यवक्ता के द्वारा किसको मिलेगा उस सच्चे यीशु को मिलेगा वो सच्चे परमेश्वर को मिलेगा और परमेश्वर से मिलके, यीशु से मिलके वो क्या होएगा? वो मेल मिलाप के वचन को पालेगा तो जब सच्चा भविष्यवक्ता आएगा आपके जीवन में मेल मिलाप का वचन प्रचार करेगा तो मेल मिलाप का वचन क्या है परमेश्वर तुम्हारे पाप यीशु को दे दिए परमेश्वर तुम्हारे पाप का दोष तुमको नहीं लगाता जगत के लोगों का पाप का दोष उनको नहीं लगाता सच्चा भविष्योक्ता को अगर आप देखेंगे तो कहां देख सकते हैं पौलुस को देख सकते हैं ठीक है आइए पौलुस को देखेंगे कहां पे कुरु की पत्र में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पौलुस का प्रचार हमें दिखाई देता है दूसरे कुरुंथियो पांच अध्याय में आइए सेकंड कुरुंथियंस चैप्टर पांच उसके अठारह वचन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पौलुस कुछ बातें बोलते हैं हम लोग देखेंगे ये सच्चा भविष्योक्ता का प्रचार है कैसा वो प्रचार करता है और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप की और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी तो यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी पहले तो इस इंसान से परमेश्वर मेल मिलाप किया है मतलब पहले यही इंसान नए सिरे से जन्म पाया है और वो मिल मेल मिलाप होने के बाद मेल मिलाप का वचन क्या है यह है अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया ये सुसमाचार है याद रखना जो प्रभु का सच्चा सेवक होगा पौलुस का पौलुस ये बोलता है गलतियों की पत्री में जो सुसमाचार में प्रचार कर रहा हूं वो सुसमाचार के अलावा कोई और दूसरा सुसमाचार प्रचार करेगा तो वो स्वर्ग का स्वर्गदूत भी क्यों ना हो वो श्रापित हो ऐसा बात बोलता है एक सुसमाचार प्रचारक को श्रापित होने की बात करता है वो क्योंकि जो सुसमाचार पौलुस प्रचार करता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले मैं आपको गलतियों उसका एक अध्याय आठ वचन दिखा दूंगा वहां पे ऐसा लिखा हुआ है देखिए गलतियों उसका पहला अध्याय आठ वचन में लिखा है परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित होगा तो यहां पर साफ रीति से लिखा है कि वो श्रापित होगा कब वो श्रापित होगा दूसरा सुसमाचार जो पौलुस ने प्रचार किया उस सुसमाचार के अलावा और कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करेगा वो प्रचारक श्रापित हो जाएगा एक प्रचारक के बारे में बहुत गंभीर बातें बाइबल में लिखी गई है लेकिन दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे प्रचारक डरते नहीं हैं वो लोग क्या प्रचार कर रहे हैं अपने प्रचार का हिसाब भी नहीं रखते हैं वो लोग वो लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार का उनको हिसाब देना होगा वो लोग क्या प्रचार कर रहे हैं उस प्रचार के अनुसार वो आशीषित भी होंगे और वो लोग श्रापित भी होंगे वो लोग ऐसे नहीं सोचते उनको खाली घमंडे में प्रचारक हूँ इस बात का वो खाली प्रचार करना चाहते हैं वो जो बोलना चाहते हैं वो बोलना चाहते हैं लेकिन जो बोल रहे हैं ये परमेश्वर का वचन ही है या मैं मेरा सोच जोड़ के बोल रहा हूं या मैं मेरी बातें बोल रहा हूं ये इस प्रकार की चीजें आज बहुत सारे प्रचारक लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है और वो जानने में इच्छुक भी नहीं है क्योंकि वो बाइबल में ऐसा भी लिखा है ये बात भी वो लोग लो नहीं जानते तो बाइबल में गलतियों की पुस्तक पहला अध्याय आठवें वचन में क्योंकि गलतियों के चर्च को जब पौलुस ने प्रचार किया गलतियों के चर्च को पौलुस ने जो प्रचार किया यीशु मसीह के लहू में पापों की क्षमा और अनुग्रह के द्वारा उद्धार इसके बारे में प्रचार करने के बाद गलतियों के चर्च ने पवित्र आत्मा पाया था लेकिन गलतियों के चर्च में आगे जाने के बाद गलतियों चर्च आपको प्रचार करूंगा ये, <स्थितियों> इसके बाद प्रेरितों के काम के बाद कुरंथियों आएगा रोमियो आएगा क्रंथियो आएगा फिर ये गलतियों भी आएगा लेकिन आज मैं थोड़ा सा पौलुस सच्चे प्रचारक के बारे में बताने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए किसमें से कुरुंतियों में से और गलतियों से में, कल गलतियों से भी क्योंकि आपने उद्धार पाने के बाद उद्धार पाने के बाद अगर आप सच्चे भविष्यता से मिलोगे जैसा पत्रस तो पत्रस आपको सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी नहीं देगा वो क्या देगा से नासरी देगा अगर आप से नासरी से मिलते हो आप पाप से से छुटकारा पाते हो 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 आप 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 धर्मी बनते हो, आप बनते पवित्र आपके जीवन में सारे बोझ और बंधन स्वतंत्र हो जाते हो और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उछलने कूदने फांदने और प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक सुंदर जीवन जीने वाले इंसान बनते हो जैसे प्रेरितों के काम तीन अध्याय में पत्रस के द्वारा वो लंगड़ा भिकारी पाप आ रहा है मैं भी उस लंगड़े भिकारी की तरह ही हूँ मैं भी पास्टर जेम्स पार्क से मिलने से पहले पाल से मिलने से पहले मेरा भी जीवन उस लंगड़े भिकारी की तरह था मेरा भीक अलग था मैं अलग भीख मांगता था मैं क्या भीख मांगता था पापों की क्षमा का भीख मांगता था हे प्रभु मेरे मेरे पापों की क्षमा क्षमा कर दो तो हर पास्टर पास्टर के आगे में जाता था था घुटने टेकता हे पाप हो जाए इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर दो हे पास्टर मेरे पाप क्षमा हो जाए इसके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर दो हर पास्टर के आगे जाता था पास्टर मैं बाहर से दिखने के लिए गोरा हूँ लेकिन अंदर से मैं खाला हूँ मेरा मन पाप की शक्ति से छुट रहा नहीं है पास्टर मैं क्या करू मैं ऐसे ही पूछता था हर एक ने मुझे कहा उपास करो प्रार्थना करो उपास करो प्रार्थना करो लेकिन कोई मुझे परमेश्वर का ऐसा भक्त नहीं मिला जो मुझे यीशु मसीह नासरी के नाम में पापों की क्षमा का प्रचार करे प्रभु यीशु मसीह के लहू में तेरे पाप धुल गए हैं तू पापी नहीं है तू पवित्र है प्रभु यीशु मसीह ने तुझे धर्मी ठहराया है रोमियो उसका तीन अध्याय चौबीस वचन देख क्या लिखा हुआ है रोमियो उसके तीसरे अध्याय चौबीस वचन में लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर आया और प्रभु यीशु मसीह ने तेरे पाप का कीमत चुकाया तो तू और पापी नहीं है तो बिना मूल्य धर्मी है ऐसा प्रचार मुझे किसी ने नहीं किया लेकिन जब मैंने अशोक सुपाठ से मिला अशोक सुपाठ ने मुझे प्रचार किया उस दिन से मैं उठ के उठ के उछलने खुदने वाला बन गया सच में एक सुसमाचार प्रचारक बहुत मूल्यवान होता है इसके लिए मैं इस तरीके से बोल रहा हूं असलियत में मुझे किसी पास्टर का बदनामी करना या किसी पास्टर के नाम से कुछ गलत बात बोलना है ऐसा नहीं है वो पास्टर लोग उनका हिसाब वो देंगे परमेश्वर के आगे परमेश्वर उनको देखे परमेश्वर उनके जीवन का हिसाब लेगा लेकिन मुझे आपको यह सिखाना जरूरी है क्योंकि बाइबल में ऐसा सिखाया गया है मुझे आपको ये बताना जरूरी है क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है मत्ती के सात अध्याय के पंद्रह वचन में यीशु ने बोला है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो तो अभी मेरा काम है आपको यह बताना झूठे भविष्यता और सच्चे भविष्य को आप कैसे पहचानते हो और कैसे पहचानना चाहिए बिबली रीति से तो मैंने आपको अभी पहले यहां पे क्या बता रहा हूं सुसमाचार प्रचारक श्रापित होगा बोल के लिखा हुआ है सुसमाचार प्रचार कर रहा है कौन सा सुसमाचार प्रचार कर रहा है पॉलुस ने जो प्रचार किया वो प्रचार ना करके कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करेगा तो क्या होगा वो श्रापित होगा तो वो कैसा है वो सुसमाचार ये बात भी मैं आपको बताऊंगा हर बाइबल के चैप्टर में से बताऊंगा पॉलिस ने क्या प्रचार किया है में दूसरा कुरंथियों के पांच के दूसरा गुरंथियो पांच का उन्नीस वचन हम देखेंगे अठारह हमने देखा पांच का उन्नीस क्या लिखा हुआ है और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी और 19 में लिखा है अर्थात ये देखिए है अर्थात मसीह ने परमेश्वर मसी ने, ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया अभी देखिए संसार के लोग पापी बन गए थे पवित्र परमेश्वर कैसे मेल मिलाप करेगा ये पापी लोगों के साथ पवित्र परमेश्वर कैसे मेल मिलाप करेगा परमेश्वर ने मसीह के द्वारा संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया ऐसा लिखा है मतलब परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने अपने मन का दरवाजा हमारे लिए खोल दिया परमेश्वर ने हमारे हमारे तरफ जो पाप का जो बंधन था उसको तोड़ दिया हमारे पापों की क्षमा कर दी और सुसमाचार क्या है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया मतलब इंसान के पापों का दोष परमेश्वर ने किस पर नहीं लगाया इंसान पर दोष नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया तो ये मेल हमको दिया मतलब क्या है ये मेल मिलाप का वचन क्या है अभी पत्र क्या कर रहा है जब पत्र भिकारी को मसीह से, से जोड़ दिया यशु के द्वारा जो सामर्थ आई उस सामर्थ से वो लंगड़ा ठीक हुआ है ऐसा नहीं कि पत्रस से जो सामर्थ आती है या पथरस ने हुई का ऐसा करके पत्रस ठीक कर रहा है ऐसा नहीं है यशुमसी नासरी का नाम सटीकता से उसको सिखा रहा है सटीकता से वो वचन को उसको बता रहा है वो बात को उसको बता रहा है तो यहाँ पे मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया ऐसा लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा है सो हम मसीह के राजदूत है मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है हम मसी की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो तो अभी परमेश्वर का दास क्या करता है ये सच्चा भविष्यवक्ता क्या करता है लोगों को आके क्या बोलता है परमेश्वर ने तुम लोग संसार के साथ मिल मिलाप कर लिया और संसार के लोगों का पाप का दोष संसार के लोगों पे नहीं लगाया तो यह सुसमाचार है सुसमाचार क्या है तुम्हारे पाप का दोष परमेश्वर तुमको नहीं लगाता तुम्हारे पाप का दोष परमेश्वर ने यीशु को ऑलरेडी दे दिया तुम्हारे पाप का दोष दंड और श्राप सब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म किया क्रूस पर से बहाए हुए लहू से उसने तुम्हारे पापों को धो दिया तुमको धर्मी बना दिया तुमको पवित्र बना दिया अब ये मेल मिलाप का वचन हम आपको देते हैं ये मेल मिलाप का वचन मतलब क्या है ये वचन है कि ये प्रचार किया जाता है वचन सुसमाचार का वचन सुसमाचार का वचन क्या है तुम्हारे पाप की सजा मौत

उसने उसी पे पे उसने को उसने मतलब किसी को किसने उसी को मतलब यीशु को कौन सा यीशु जो पाप से अज्ञात था उस यीशु को उसने उसने मतलब किसने परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया जो पाप से अज्ञात था यीशु उस यीशु को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया इसका मतलब क्या है हमारे सारे पाप परमेश्वर ने उस यीशु पर लाद दिए और यीशु जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया और हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए इसका मतलब क्या है इसको अगर आप साफ रीति से और समझना चाहते हैं तो ये अदला बदली की गई यीशु जिसको पाप मालूम नहीं था मैं जो पाप में जन्मा पाप और मृत्यु में जन्मा जीवन भर मैंने पाप किया यीशु मसीह जिसको पाप मालूम नहीं था जिसने कभी पाप नहीं किया जिसने कभी किसी को गाली सुन के गाली नहीं दिया थूका लोगों ने उसने कभी किसी को उल्लट नहीं थूका उसने परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं तोड़ी उसने परमेश्वर के सारे विधि और व्यवस्थाओं को सही रीति से माना मैंने सिर्फ पाप किया मैंने सिर्फ गंदगी की दी मैं पाप से भरा हुआ ये पाप से अज्ञान लेकिन क्या लिखा है बाइबल में वो जो पाप से अज्ञान था उसको परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया इसका मतलब क्या है हमारे सारे पाप परमेश्वर ने किसको दे दिए यीशु को दे दिए जो पाप भी नहीं था जिसके पास वो क्या बन गया ये ऐसा बन गया जिसके पास सिर्फ पाप है ऐसा बन गया यशु मसी पूरा पाप ले लिया इसके लिए यशु मसी को क्या करना पड़ा वो पाप की सजा मौत देने के लिए उसको कलवरी के क्रूस पे मरना पड़ा क्यों क्योंकि पाप की सजा मौत है और खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता तो यशु ने कलवरी के क्रूस पर मृत्यु दंड भी चुकाया और येशु ने क्रूस पर से बहाए हुए लहू से हमारे पाप भी क्या कर दिए धो दिए उसने इस तरीके से हमको क्या बना दिया धर्मी और पवित्र बना दिया तो ये सुसमाचार का वचन ये है लेकिन लोग सुसमाचार सुनने से पहले भी पापी है सुसमाचार सुनने के बाद भी पापी है किसकी वजह से वो झूठे भविष्य वक्ता की वजह से झूठा भविष्य वक्ता ऐसा करता है सच्चा भविष्य वक्ता यह प्रचार करता है कि हम अब परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हैं हम और पापी ना रहे हम पापी ना रहे हम धर्मी हैं इतना ही नहीं पहले कुरंथियों छह अध्याय में भी अगर आप देखोगे तो यही बात को पौलोस प्रचार करता है पहले में भी अगर देखोगे तो न ना चोर ना, 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 ना अंधेर के के हम, हैं, हैं। हम स्वर्ग नहीं जा सकते लेकिन आगे क्या लिखा है ग्यारह वचन में यह सुचार है तुम लोग ऐसे ही थे तुम में से कितने ही लोग ऐसे थे परंतु तुम प्रभु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए पवित्र हुए और धर्मी ठहरे ये क्या है यह धर्मी ठहराने वाला सुसमाचार है पवित्र ठहराने वाला सुसमाचार है तुम धोए गए हो तुम के लहू से धोए गए हो तुम परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो तुम लोग पवित्र किए गए हो तुम लोग धर्मी किए गए हो यह सुसमाचार है लेकिन झूठे भविष्य वक्ता ये सुसमाचार प्रचार नहीं करते झूठे भविष्य वक्ता क्या प्रचार करते पता है आपको बोलते आप अपने पापों की क्षमा पाने के लिए रो आप उपास करो बोलो प्रभु मैं पापी हूं प्रभु मेरे पाप धो दो, दो। ये ऐसा सिखाते हैं कि तुमने प्रभु से पाप धुलवाना है वो ऐसा सिखाते कि तुम्हारे पाप धोए जाने हैं ये झूठा भविष्य वक्ता है झूठा भविष्य वक्ता कब भी नहीं बोल सकता तुम धर्मी किए गए हो तुम पवित्र किए गए हो क्योंकि उसके पास मेल मिलाप का वचन ही नहीं है वो कभी प्रभु से मिला ही नहीं है इसके लिए उसके पास प्रभु का वचन नहीं है उसने प्रभु के द्वारा नई सिरे से जन्म नहीं पाया वो बोल ही नहीं सकता है हालांकि वो प्रचार करेगा बाइबल का ज्ञान रख के वो इंडियो ऐसा बोल सकेगा परमेश्वर आपसे प्यार करता है ये आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ऐसी बातें लोग करते हैं लेकिन एट लास्ट जब विश्वास का समय आता है वो लोग आकर के अपना विश्वास प्रकट करते हैं वो क्या है हम प्रभु से हमारे पापों की क्षमा मांगेंगे प्रभु दयालु है आज नहीं तो कल पाप क्षमा कर देगा चलो आओ हमारे पापों की क्षमा मांगे वो लोग वहां ही जाके अटकते हैं अंत में वो आपको क्या विश्वास देंगे अंत में वो आपको पापी होने का ही विश्वास देंगे इसके लिए पौलुस ने कहा मैं जो प्रचार करता हूं उस उस प्रचार के अलावा कोई दूसरा प्रचार करेगा तो वो स्वर्ग से आया हुआ स्वर्गदूत ही क्यों ना हो वो श्रापित होगा ऐसा बात बोला गया है इसके लिए ये मत्ती के सात अध्याय में प्रभु ने कहा मत्ती सात के पंद्रह में झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए है तो जब आप किसी पास्टर को पहचानते हो तो आपने ये नहीं देखना है पास्टर हाथ में बाइबल लेके घूमता है क्या नहीं पास्टर बाइबल को ऐसे छुमता है क्या नहीं पास्टर यीशु के नाम से आता है क्या नहीं पास्टर बाइबल को लेकर क्या है क्या नहीं वो पास्टर का कितना बड़ा चर्च है ये सब आपको नहीं देखना है उसके कितने मेंबर है उसके पीछे चलने वाली भीड़ कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है आपने ये देखना है ये पास्टर सच में यशु मसीह के द्वारा पापों को क्षमा पाया है क्या ये पास्टर धर्मी और पवित्र है क्या कैसे जानोगे वो लिखा है उनके फलों से पहचानोगे उनके फल मतलब कौन है उनके चर्च के मेंबर आप पास्टर को जाकर के क्योंकि पास्टर तो बहुत अच्छे से प्रिटेंड कर सकते हैं क्योंकि वो भेड़ों का भेष उन्होंने पहनना जान लिया है अगर वो भेड़ों का भेष नहीं पहनेंगे तो कैसे लोग उनके पीछे चलेंगे इसलिए परमेश्वर कई पास्टर लोगों का मिनिस्ट्री में उनका भेड़िया का रूप प्रकट करता है अगर आप देखोगे स्पेशली अगर आप नेपाल जाओगे तो नेपाल साइड में आप जाओगे तो इन दिनों में कई ऐसे पास्टर लोगों को ऐसे प्रगट किया जा रहा है वो लोग कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ऐसी चीजें बहुत ऐसे प्रगटीकरण हो रहा है ये अच्छी क्यों नहीं है पता है क्या ये पास्टर लोग ने कभी परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया वो लोग सच्चे में अगर परमेश्वर के आगे टूटते अगर सच में परमेश्वर के आगे देखते परमेश्वर के बच्चन को देखते नए सिरे से जन्म पाए बिना मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता सच में मेरे अंदर पवित्र आत्मा है क्या मैं सच में पाप से मुक्ति पाया हूं क्या फिर क्यों पाप की शक्ति मुझे की निरंतर खींच रही है फिर मैं क्यों ऐसा जिंदगी जी रहा हूं ऐसी चीजें वो लोग देख सकते थे सुन सकते थे समझ सकते थे और वो लोग लो बाइबल में पढ़ाई कर सकते थे मैं भी ऐसा ही था मैं भी पाप से मुक्ति नहीं पाया लेकिन पाप से मुक्ति नहीं पाया मैंने निरंतर मिनिस्ट्री नहीं की मैंने सच्ची में देखा बाइबल का परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और मैं पाप में जन्मा हुआ पाप का पुलिंदा हूं मैं पाप करता ही हूं अगर मैं पाप से मुक्ति नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे स्वर्ग में जाऊंगा मैं पवित्र नहीं होऊंगा तो, तो मैं कैसे स्वर्ग में जाऊंगा मैं उद्धार नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे स्वर्ग में जाऊंगा मैंने ये बात को तो जानना ही है तो झूठा भविष्य वोक्ता कौन है बाहर से तो क्रिश्चियन बन गया लेकिन उसके हृदय में यीशु नहीं है बाहर से तो उसने भेड़ों का रूप धारण कर लिया अंदर भेड़िया है मतलब क्या है भेड़िया कौन है बाइबल में पता है आपको पाप पाप सैतान सैतान को भेड़िया कहा गया है जिसके दिल में पाप है उसका राजा कौन है सैतान है अगर उसने पाप से उद्धार नहीं पाया मालिक नहीं हो सकता यीशु उसका मालिक नहीं हो सकता भले वो पास्टर हो फिर भी उसका यीशु मालिक नहीं हो सकता यीशु उसके जीवन का जिम्मेदार नहीं होता इसके लिए मत्ती के सात अध्याय में बहुत बार कहा गया है उस दिन बहुत सारे लोग आकर के कहेंगे ये देखिए ये सात अध्याय के इक्कीस वचन में आगे अगर आप देखोगे तो आपको ये बात दिखाई देगा ये बारे में यहाँ पे मत्ती के सात के इक्कीस में उन पास्टों लोगों के बारे में लिखा है जो मुझसे हे प्रभु हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं यही परमेश्वर की इच्छा है ये लोग पवित्र नहीं किए गए ये लोग पापी ही रह गए लेकिन इन्होंने क्या किया अपने मन में पाप को रखा उन्होंने अपने मन में यशु को नहीं मिला वो लोग यशु में सिन्हा को अभी तक मिले नहीं वो लोग सिना के द्वारा वो लोग ने पापों से उतार पाया ही नहीं नए सिरे से जन्म पाया ही नहीं लेकिन उन्होंने क्या करने लगे वो लोग भूत निकालने लग गए संदेश देने लग गए चमत्कार करने लग गए और वो लो वो लोग लोग पास्टर बन गए लेकिन को मिले ही नहीं पाप से छुटकारा पाया ही नहीं लेकिन वो दिन क्या करेंगे न्याय के दिन में ऐसे लिखा उस दिन बहुत सारे मुझसे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से असंभ के काम नहीं किए ऐसे लिखा ये लोग क्या बोलेंगे ये लोग जब प्रभु प्रभु के न्याय के दिन में खड़े होंगे ये लोग बताएंगे कि उन्होंने भविष्यवाणी की भूत निकाला और वो लोग ने अचंभे के काम किए लेकिन मसीह मसीह क्या कहेगा कहेगा उनको उनसे उनसे तब मैं खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ हालांकि मेरा जो प्रचार है ये थोड़ा आपको कठोर लगेगा लेकिन ये सत्य है आपको जानने की जरूरत है आप यीशु के नाम से भूत निकाल के स्वर्ग नहीं जा सकते आप यशु के नाम से चमत्कार के काम करके स्वर्ग नहीं जा सकते आप यशु के नाम से बड़े बड़े भविष्यवाणी करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते लेकिन अगर आपने पापों से छुटकारा पाया है तो अगर आपने नए सिरे से जन्म पाया है तो आप दूसरे इंसान को पापों से छुटकारा सिखा सकते हो और वह इंसान पाप से छुटकारा पाएगा उसके मन में यशु से आएगा उसके मन में यशु से आएगा यशु उनके जीवन को चलाएगा मुझे उनके जीवन को चलाने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है यीशु जो उनके जीवन को आएगा यीशु उनके जीवन को चलाएगा ताकि परमेश्वर की सच्ची कलिशिया से जुड़े परमेश्वर के सच्चे दासों से जुड़े और परमेश्वर की सेवा धन्यवादित मन से वो लोग कर सके तो फिर प्रभु यीशु यशुमन से झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो इसका मतलब अभी आप इसको कैसे समझेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन जीने के लिए क्योंकि ये प्रभु का वचन है ये मेरी बातें नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है छोटे भविष्य से सावधान रहो जो भेड़ो के बेच में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए है फाड़ने वाला भेड़िया बाहर से भेड़ है मतलब क्या है बाहर से तो पूरा पास्टर का चोगा पहना हुआ है उसने लेकिन उसके हृदय हृदय में पाप पाप है है उसका पाप से मुक्ति नहीं पाया है। इसके लिए उसके फल से पहचानो ऐसे लिखा है उनके फलों से तुम इन्हें पहचान लोगे उनके फलों से उनको पहचान लोगे इसका मतलब उनके फल मतलब ये नहीं वो लोग कैसे बात कर रहे हैं ये लोग गुस्सा होते हैं क्या नहीं ये लोग डांटते हैं क्या नहीं ये लोग मिल मिलाप करके रहते हैं क्या नहीं या फिर वो लोग कुछ ये करते हैं क्या वो करते हैं वैसा फल नहीं है जिसको आप फल समझते हैं फल मतलब क्या है वो भेड़ के रूप का भेड़िया का बच्चा भेड़ के रूप में जो ऐसे फल कैसे पहचानोगे भेड़ के रूप में भेड़िया है कैसे पहचानोगे और बाहर से भेड़ है अंदर से भेड़िया है तो जब उसका बच्चा जन्मेगा वो भेड़ का जन्मेगा क्या भेड़िया का जन्मेगा वो भेड़िया जन्मेगा भेड़ नहीं जन्मेगा वैसे ही जो पास्टर बाहर से पास्टर है लेकिन अंदर से पापी है वो यीशु में से उसके हृदय में अभी तक जन्म नहीं लिया है अंदर उसके हृदय का मालिक पापी है 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 उसके मन का मालिक अगर है, पाप है उसका मालिक उसका सोच है तो उसके उसके द्वारा उस पास्टर के द्वारा जो भी चर्च मेंबर रहेंगे वो चर्च मेंबर कैसे होंगे वो सारे चर्च मेंबर पापी के पापी ही होंगे वो चर्च में एक भी आदमी नया जन्म पाया हुआ नहीं मिलेगा वो चर्च में एक भी आदमी का उद्धार नहीं हुआ होगा एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये बोल सकेगा मैं धर्मी हूं मैं पवित्र हूं एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो नए सिरे से जन्म पाने की गवाही दे सकता हो कैसे मैं पाप में जन्मा कैसे मैंने व्यवस्था के द्वारा मेरे पाप जाना मैंने मेरे मन में कैसे यीशु के लहू के प्रति विश्वास आया मैंने कैसे जाना कि मेरे पाप की सजा मौत है मेरे पाप को लहू बहाए बिना क्षमा नहीं होता मैंने कैसे जाना और कैसे मैंने मेरे मन में विश्वास में पाया कि मेरे पापों की क्षमा मृत्यु क्रूस पे खत्म हो गई और कैसे क्रूस पर से बहाये हुए लहू से मेरे पाप सदा सर्वदा के लिए मिटाए गए यीशु जब स्वर्ग में गया अपना गया अपना लहू लहू लेके उसने अपने ही से मेरे पाप को सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया इसलिए परमेश्वर मेरे पाप याद नहीं करते हैं इसीलिए मुझे मेरे पाप का बलिदान देना बाकी नहीं है ऐसा एक भी बात सटीकता से वो लोग बोल ही नहीं पाएंगे वो लोग क्या करेंगे जब भी इकट्ठे होंगे एक ही चीज करते हैं वो लोग हे प्रभु हम पापी हैं हे प्रभु हमारे पापों को धो दीजिए हे प्रभु हम पाप न करें ऐसी शक्ति दे दीजिए और वो लोग बस ऐसा ही करते हुए जिंदगी को छेंगे वो पाप से छुटकारा पाने का गवाही नहीं है नए सिरे से, से जन्म पाने का गवाही नहीं उनके फल हाँ ऐसा हो सकता है एक आधा पास्टर ने उद्धार पाया है लेकिन उसके चर्च के मेंबर में से अस्सी सौ मेंबर अगर उसके है और उसमें से अस्सी मेंबर पापी है लेकिन बीस मेंबर अगर धर्मी है तो भी अगर बीस मेंबर ने तो भी उद्धार पाया है मैं धर्मी हूं मैं पवित्र हूं मैं संत हूं आज प्रभु यीशु आएगा तो मुझे स्वर्ग में उठा के लेके जाएगा ऐसा सटीक विश्वास रखने वाला संत उस चर्च में अगर दस भी है पांच भी है तो भी उपास उद्धार पाया हुआ बस। लेकिन अगर सौ में से सौ के सौ अगर मेंबर पापी हैं, तो उसमें से एक भी मेंबर के पास उद्धार की गवाही नहीं है एक भी मेंबर के पास सटीक विश्वास नहीं है कि आज मरूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा ऐसा विश्वास अगर उस मेंबर के पास नहीं है तो वो चर्च के मेंबरों की समस्या नहीं है वो पास्टर की समस्या है वो पास्टर ने उद्धार नहीं पाया वो पास्टर झूठा भविष्य वक्ता है वो झूठा भविष्य वक्ता मतलब क्या है जिसके अंदर सत्य नहीं है जिसके अंदर सत्य नहीं है मतलब जिसके अंदर ज्योति नहीं है जिसके अंदर ज्योति नहीं है मतलब उसके अंदर अंध्यारा है असत्य पे जिता है वो वो सत्य पे नहीं चल सकता वो उजाले में नहीं चल सकता वो पापी का पापी ही रहेगा हालांकि यीशु ने उसके पाप धोए हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोलेगा मैं पापी ही हूं मैंने ऐसे कई भविष्य वक्ताओं को मिला मैं कई ऐसे पास्टर लोगों को मिला मैंने उनको पूरी रीति से एक्सप्लेन किया कैसे एक पापी धर्मी बनता है कैसे एक पापी पवित्र बनता है लेकिन अंत में सुनने के बाद वो क्या बोलते हैं बताए है? हंसते हैं और वो कैसे हंसते बताए पास्तर यीशु ने हमको पवित्र कर दिया तो क्या हम पवित्र बन गए क्या यीशु हमको धर्मी ठहराता है तो क्या हम धर्मी बन गए क्या बाइबल में लिखा है हम पवित्र हैं बोल के हम मान जाए हम पवित्र है हम लोग ने हमारे कर्मों को देखना नहीं चाहिए ऐसे बोल के वो लोग फिर से लौट जाते हैं वो लोग यीशु मसीह के बलिदान से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के लहू से ज्यादा अपनी आंसुओं पर विश्वास करते हैं यीशु ने अपना शरीर क्रूस पर बलिदान चढ़ाया उसके ज्यादा उन्होंने कितने उपास किए वो बात उनके मन में बड़ी होती है इसीलिए मुंह से तो वो लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन हृदय से ये जाहिर करते हैं कि वो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं अपने आप पर भरोसा करते हैं और बाइबल में लिखा है जो खुद पर विश्वास करता है वो मूर्ख है और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है उद्धार का मतलब होता है पापों से मुक्ति तो अगर आप बोलते हो आप प्रभु पर विश्वास करते हो लेकिन अभी तक पापी हो तो आपने अभी तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, ये को करने की है। इस से आपने सच्चे और ऐसा भविष्य जो पाप क्षमा का संदेश अच्छे से देना जानता हो जो एक्सप्लेन करता हो कि कैसे हमारे पाप धुल चुके हैं कैसे हम लोग को प्रभु ने धर्मी और पवित्र बनाया ऐसे भविष्यवक्ता को ढूंढ के ऐसे भविष्यवक्ता के साथ एक होकर के आपने अपना आत्मिक जीवन जीना है और उस भविष्य के साथ मिलके सुसमाचार की सेवा भी करनी है यह क्यूं? पाते हो तो आप ही हो जो ये दूसरों को उद्धार के बारे में बता सकते हो एक झूठा भविष्य कभी भी उद्धार के बारे में प्रचार नहीं कर सकता इसके लिए मैं मेरे चर्च के भाई बहनों को बोलता हूं भाई बहन अगर आपने सटीकता से उद्धार पाया है अगर आपने सटीकता से नए सिरे से जन्म पाया हुआ है तो आप एक बड़े से बड़े इंसान से भी आप बड़े हो क्यों क्योंकि आप ही हो जो लोगों को पाप क्षमा का रहस्य बता सकते हो आप ही हो जो लोगों को धर्मी और पवित्र होने का विश्वास देते हो तो पत्रस भी ऐसा ही आदमी था एक दिन पत्रस को भी सत्य मालूम नहीं था एक दिन पत्रस भी अपने सोच के पीछे चलने वाला था शरीर और संसार के लिए अगर उस समय में उसको भी पास्टर बनने का नौकरी मिल जाता तो शायद वो भी पास्टर बन जाता लेकिन वो पापी पास्टर बन जाता पापी पास्टर बनता तो किसी को भी स्वर्ग नहीं दिखा सकता था उसके संदेश में कोई उद्धार नहीं पाते थे वो भी शास्त्री और की तरह बन जाता था बाइबल का गुरु तो बन जाता था लेकिन स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ भी समझ नहीं रखता था ऐसा वो बन जाता था लेकिन धन्यवादित रूप से उन दिनों में पत्र जो है बाइबल टीचर नहीं था एक मछुआरा था एक मछली पकड़ने वाला था तो सच में मैं एक चीज क्या कहना चाहता हूं अगर आपने पापों से उद्धार नहीं पाया है तो आप सुसमाचार प्रचारक मत बने आप एक पास्टर की पोजीशन में ना रहे आप एक मिशनरी के पोजीशन में ना रहें, एक एल्डर और डिकन के पोजीशन में ना रहें, और अपने आपको चर्च बिलीवर मत बोलिए मत बोलिए अपने आपको बोलिए अभी तक मैंने पापों से छुटकारा नहीं पाया है अभी तक मैं अभी तक पापी हूँ मैंने पाप क्षमा का रहस्य जानना है हालांकि मैं जानता हूं मेरे पाप के लिए मरा मैं जानता हूं लेकिन मेरे मन में अभी तक विश्वास नहीं है कि मेरे पाप धुल गए हैं मैं प्रभु से अनुग्रह पाना चाहता हूँ पाप क्षमा के रहस्य को जानना चाहता हूं ऐसा मन आपने रखने की जरूरत है अगर अभी तक आप पापी ही हो और आपने अभी तक सुसमाचार को सुनने के बाद भी अगर आपने विश्वास नहीं पाया है तो नहीं तो डोंगी बनने के कारण आप अकेले नाश नहीं हो अब के साथ जाने वाले हर एक लोगों को आप नरक में लेके जाओगे ये भी चेक एक एक मसीह मसीह इंसान इंसान ने जानना है एक ऐसे ऐसे ही ही पास्टर बनना 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 एल्डर डिकन सुसमाचार प्रचारक बनना नहीं तो सुसमाचार प्रचारक भी शापित होगा लिखा है ना मैं जब महाराष्ट्र में था महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री करते समय मैंने कई पास्टर के परिवारों को देखा श्रापित परिवार सच में उन परिवारों को देख के मैं डरता था पास्टर बनने से असलियत में मैं बोलू तो पास्टर बनना ही नहीं चाहता था लेकिन मैंने उद्धार पाने के बाद प्रभु ने मुझे बहुत विवश किया है प्रचार प्रचारचार को प्रचार करने के लिए तो प्रभु के प्यार ने इतना मुझे भर दिया है ऐसा ऐसा लगता था कि प्रभु मुझे पूछता है मैंने तुझे स्वर्ग का रास्ता बता दिया तू जाके दूसरों को नहीं बताएगा क्या मैंने तुझे नरक से बचाया क्या दूसरों को नहीं बताएगा क्या मेरे मन में सच में ऐसा लगता था प्रभु मुझे बहुत जबरदस्ती कर रहा है तू ये सुचार दूसरों को बोल बोल के इसके लिए सच में मैंने अपना हृदय प्रभु को देखे मैंने ये पास्टर का पदवी लेकर के मैं ये सुचार आज प्रचार कर रहा हूं नहीं तो पास्टर के नाम से भी मुझे नफरत हो गई थी सच्चे में मैं ये काम नहीं करना चाहता था क्यों हम कोई भी क्यों ना हो लेकिन पास्टर बन के तो हमने किसी को नर्क में नहीं लेके जाना चाहिए ये तो बहुत खतरनाक है इसलिए पास्टर का पदवी है ये पदवी को हमने ऐसा ही नहीं समझना है इसलिए उठा सुटा कोई भी पास्टर नहीं बनना चाहिए आज लोगों को देखोगे तो हाँ बेटा शराब पी रहा है चलो उसको पास्टर बना दो हाँ चलो इसको कुछ काम नहीं है चलो उसको पास्टर बना दो इस रीति से कोई पास्टर नहीं बन सकता पास्टर कौन बन सकता है जो यीशु से मिला है जिसने पापों से छुटकारा पाया है जो धर्मी और पवित्र बना है जिसने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है जो पवित्र आत्मा से चलाया जाना वो एक पास्टर का जीवन होता है एक पास्टर उसी के द्वारा परमेश्वर उद्धार का काम कर सकते हैं उसी के द्वारा स्वर्ग एक पास्टर का काम ही क्या है लोगों को परमेश्वर से मिलाना मेल मिलाप का बचन सौंपना तो पत्र ने क्या कहा के में मैं मेल मिलाप का वचन तुमको सौंप दे रहा हूं मैंने वचन पाया कि कैसे हम लोग धर्मी और पवित्र है।, है ये पौलुस भी ऐसा ही करता है सेम रीति से पत्रस का जिंदगी भी ऐसा ही है तो लुका के पांच अध्याय में पत्रस प्रभु से मिलता है जब लुका के पांच अध्याय में पत्रस प्रभु से मिलता है क्या होता है पत्रस प्रभु से मिलने के बाद प्रभु के वचन के द्वारा पत्रस चलाया जाना शुरू होता है लेकिन साढ़े तीन साल तक पतरस ने कैसे जिंदगी जिया पतरस के पास प्रभु का वचन भी था और उसका सोच भी था इसके लिए पतरस का खुद का आत्मिक जीवन ठीक नहीं था अभी आपने परमेश्वर का वचन पा के आप धर्मी और पवित्र तो बन गए लेकिन अभी भी आपके पास आपके सोच है अभी आप क्या करोगे कभी आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे कभी आप अपने सोच पे विश्वास करोगे जब आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करोगे कभी आप सोच पे विश्वास करोगे ऐसे जिंदगी भी आप जीने का समय होगा लेकिन उस दौरान आपने जानना है हाँ मेरे मन से आने वाला सोच है निरंतर बुरा है ये सोच परमेश्वर का बचन नहीं है मैं अगर सोच और परमेश्वर के बचन दोनों पर विश्वास करूंगा तो मैं परमेश्वर का वचन ही बोलने वाला नहीं रहूंगा मैं समय समय में मैं इंसानों का सोच बोलूंगा उस समय में बहुत बड़ी मुश्किलें होती है हमारे लिए भी और हमको सुनने वालों के लिए भी यह आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल का होता है इसलिए बाइबल में लिखा है जब भी बोलो तो क्या बोलो परमेश्वर के वचन को बोलो हमने प्रभु का बचन को बोलने की जरूरत है तो जब हमने पापों से क्षमा पाया हमने उद्धार पाया उसके बाद परमेश्वर हमें चला रहा है क्या हम अपने सोच को विश्वास ना करें हम सिर्फ प्रभु के बचन को विश्वास करके जिए तो पतरस ने जो प्रभु का इनकार किया उस समय में में सच पतरस ने जाना आज भी मेरे मन से आने वाला सोच झूठा है आज भी मेरे मन से आने वाला सोच निरंतर बुरा है आज भी मेरे अंदर सच में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो कभी भी सच्चा नहीं है ये बात पतरस ने अपनी जिंदगी में जाना उस समय ऐसा समय आया प्रेरितों के काम तीन अध्याय में ये पवित्र आत्मा आने के बाद पत्रस जब मंदिर की ओर जा रहा था अगर आप देखेंगे पत्रस और योहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के अंधे को लंगड़े को ला रहे थे जिसको प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता था, था बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे जब उसने पत्रस और योन्ना को मंदिर में जाते हुए तो भीख मांगी पत्रस ने युहना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख सो so, उसने कुछ पाने की आशा रखते तो हुए उसकी ओर ताकने लगा तो पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं यीशु में नासरी के नाम से चल फिर तो पतरस ने क्या दे दिया उस लंगड़े भिखारी को यीशु में नासरी दे दिया ऐसा नहीं कि पतरस ने उस लंगड़े को चंगा किया ऐसा नहीं कि पतरस ने उस लंगड़े के लिए कुछ काम किया लेकिन पतरस ने जब यीशु में नासरी के मन के बारे में सोचा हालांकि मैं सोचता हूं ये नहीं उठ सकता हालांकि मैं सोचता हूँ ये ऐसे ही भिकवांग के जीने वाला है या ऐसे ही लंगड़े का लंगड़ा रहने वाला है लेकिन यशु मिन नासरी इसके बारे में क्या सोचता है तो बत्रस ने यीशु मसीह नासरी के मन को महसूस किया हाँ यीशु मसीह नासरी इसको खड़ा करना चाहेगा यीशु मसीह नासरी इसको चला फिराना चाहेगा यीशु मसीह नासरी इसको उद्धार देना चाहेगा यशु में नासरी से आशीष देना चाहेगा क्योंकि यीशु मसीह नासरी आया ही इसलिए दुर्बलों को बल देने के लिए आया पापियों को पापों से छुटकारा देने के लिए आया पापियों को धर्मी बनाने के लिए आया श्रापित लोगों के श्राप को छुड़ाने के लिए आया यीशु मसीह नासरी आने का कारण ही यही है इसलिए पत्रस ने क्या कहा मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं है लेकिन यीशु मसीह नासरी का नाम है अगर तू यीशु मसीह नासरी के नाम को मैं तुझे देता हूं उस नाम से तू चल फिर तो उस समय में वो लंगड़े भिखारी का मन और पत्रस का मन एक हो गया तो सबसे पहली बार लंगड़े भिकारी ने अपनी जिंदगी में पहली बार क्या सुना यीशु मसीह नासरी का नाम सुना हाँ यीशु मसीह नासरी मुझे चंगा करता है यीशु मसीह नासरी मुझे ठीक करता है यीशु मसीह नासरी पत्रस ने इस लंगड़े भिखारी को किससे जोड़ दिया यीशु मसीह नासरी से जोड़ दिया और उस समय में हम देखते हैं सात वचन में अगर आप देखेंगे तो और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और उन तो उसके पांव में और उसके टखनों पे बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया सब लोग जो उसे चलते फिरते थे परमेश्वर की स्तुति करते हुए देख लिया उसको पहचान लिया कि ये वही है जो सुंदर जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठे भीख मांगा करता था और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वो बहुत अचंभित हुए तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि ये लंगड़ा भिखारी अभी क्या हो चुका है चलने फिरने वाला बन गया परमेश्वर की स्तुति करने वाला हो गया और ये परमेश्वर की महिमा करने वाला हो गया और सब लोग इसको जानते थे ये वही भिखारी है जो मंदिर सुंदर नामक मंदिर में फाटक पे जाके क्या करता था जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर कर क्या मांगा करता था भीख मांगा करता था अब ये भीख नहीं मांग रहा है पतरस यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जैसे पतरस को नया जीवन मिलता है वैसे ये लंगड़ा भी जब यीशु मसीह को विश्वास करता है वो भीख नहीं मांग रहा है और वो लंगड़ा नहीं है उसके बाद उसने और लंगड़ा ना रहा और भीख मांगा नहीं रहा उसी रीति से एक दिन मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का चेला पास्टर जेम्स वो एस मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने मुझे कहा यीशु में नासरी ने तुझे पवित्र किया है यीशु में नासरी ने तुझे धर्मी किया है मैंने उस वचन को ग्रहण किया आ, मैं धर्मी नहीं हो सकता मैं पवित्र नहीं हो सकता यीशु में नासरी ने मुझे पवित्र किया है यीशु में नासरी ने मुझे धर्मी किया है अगर आप देखेंगे रोमियो उसके पांच अध्याय के नौ वचन में लिखा है क्या लिखा है आठ और नौ दोनों पढ़ेंगे परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा और नौ वचन में लिखा है सो जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे मैंने एग्जैक्टली एक, एक दिन जाना यीशु मसीह के लहू के कारण मैं धर्मी हो चुका हूं तो मैं धर्मी हूं उस दिन के बाद मैं पापी ना रहा और ना ही मैंने पाप क्षमा की भीख मांगी उस दिन के बाद लेकिन तब तक मैं चर्च के नाम में पास्टर के नाम में विश्वासी के नाम में मंदिर के फाटक में बैठ के उस भूख मांगने वाले भिकारी की तरह मैं भी भीख ही मांगता था हे e, प्रभु मुझे दया की भीख दे दो हे प्रभु मेरे पापों की क्षमा दे दो हे प्रभु भीख दे दो हे प्रभु भीख दे दो हे प्रभु मेरे पापों की क्षमा मैं भीख मांगता ही रहा कभी मुझे पाप क्षमा का भीख नहीं मिला लेकिन मुझे मालूम नहीं था यशमत सिन्सरी ने मेरे पाप पहले ही क्षमा कर दिया है मुझे मालूम नहीं था यीशु मसीह नासिर के लहू ने मेरे पाप पहले ही धो दिए हैं मुझे मालूम नहीं था यीशु मसीह नासिर का लहू मुझे धर्मी ठहरा चुका है मेरे पाप की सजा पर खत्म हो चुकी है और मेरे पापों की सजा खत्म होकर के उसके लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहराया जा चुका हूँ तो आज मैं बहुत धन्यवादित हूँ यीशु मसीह के लहू के कारण मैं धर्मी हूँ यशु के बलिदान के कारण मैं पवित्र हूँ इसलिए जो कोई भी मुझे मिलते हैं मैं उनको भी यही कथा बताता हूं कैसे यशु में से नासरी पापियों को धर्मी ठहराता है कैसे यशुम से नासरी पापियों को पवित्र ठहराता है जब हम उस ये नासरी पर विश्वास करते हैं हम लोग भी धर्मी और पवित्र बन जाते हैं इसके लिए हमने उस यशु में से नासरी पर विश्वास करना है जिसने हमारे पापों के लिए मृत्युदंड सहा जिसने अपने लहू से हमारे पाप को धोके हमको धर्मी बनाया जब हम इस यशु पर विश्वास करते हैं हम उठ खड़ा होते हैं और हम चलने फिरने लगते हैं हम उसकी स्तुति करते हैं हम उसकी गवाही देते हैं आज कई सालों से परमेश्वर ने मुझे उठकर स्तुति करके प्रभु की गवाही देने का मौका दिया है तो मैं बहुत धन्यवादित हूं तो प्रेरितों के काम तीन अध्याय में हम देख सके इस बात को कि कैसे प्रभु पर विश्वास करने वाले दास से मिलने के बाद ये लंगड़ा और लंगड़ा ना रहा ये लंगड़ा भी यीशु पे विश्वास कर सका तो एक इंसान जो तरह से यीशु पर विश्वास करता है वही दूसरे को मदद कर सकता है यीशु पर विश्वास के मामले में तो मेरे जीवन में मैं यीशु पर विश्वास नहीं कर सका था ठीक ठीक रीति से यीशु पे विश्वास करने से पहले भी पापी था यीशु पे विश्वास करने के बाद भी पापी था वो विश्वास ही नहीं है ये मुझे मालूम नहीं था लेकिन जब मैं परमेश्वर के दास पास जेम्स ओ एस पार्क से मिलने के बाद मुझे पता चला हाँ मैंने तो पूरी जिंदगी परमेश्वर पर विश्वास किया ही नहीं था लेकिन अब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके धर्मी होने का विश्वास पाया पवित्र होने का विश्वास पाया परमेश्वर मेरे पाप कभी याद नहीं करते सटीकता से मेरे मन में आया उस समय के बाद मैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दासों के द्वारा कलिशा के द्वारा चलाया जाने लगा और मैं नया जीवन जीने लगा आज मेरे द्वारा कई लोग उद्धार के राज उद्धार को पाते हैं उद्धार की कथा सुनते हैं और परमेश्वर के राज्य के बारिश बनते हैं तो मेरा मन बहुत धन्यवादित है उन लोगों को देख के जो लोग सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए धर्मी बने पवित्र बने तो मैं आशा करता हूं आप लोग जो ये वचन को सुन रहे हैं आप लोग भी सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि उनसे प्रभु पर जिसने आपको धर्मी बनाया पवित्र बनाया है अमीन ऐसे यीशु पर विश्वास मत कीजिए जो आपको अभी भी पापी कहता है वो यीशु नहीं वो यीशु के नाम में शैतान धोखा देता है लेकिन सच्चा यीशु जो परमेश्वर का बेटा जिसकी गवाही ये बाइबल देता है वो बाइबल में लिखा है अब और हम पापी ना रहे हम उसके लहू के कारण धर्मी बन गए हैं आइए प्रार्थना करेंगे। पिता आपको धन्यवाद देते हैं आपने हमें मूल्यवान दिया हे प्रभु आज प्रेरितों का काम तीन अध्याय में वो लंगड़े भिकारी से परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जिसके मन में प्रभु यीशु पर विश्वास से वो दास पत्रस मिला तो वो दास ने उसको प्रभु यीशु पर विश्वास की दुनिया दी और जब वो लोग एक हो गए हाथ मिला लिए हम लोग देख सकते हैं प्रभु कैसे वो अपने टखनों में बल पाता है और वो चलने फिरने वाला बनता है प्रभु की स्तुति करता है और मंदिर के भीतर जाके प्रभु की महिमा को देख सकता है परमेश्वर सच में लंबे समय से हम मसीह बनकर चर्च जाकर पास्टर बनकर हम पापी के पापी थे हमें सच में मालूम नहीं था प्रभु यीशु का बलिदान का सही अर्थ क्या है लेकिन आपने अपने दास परिम सोए स्पार्क को हमारी जिंदगी में भेज के हमें सच्चा विश्वास पाने दिया और कैसे आपने हमको धर्मी और पवित्र बनाया ये विश्वास हमें देखे आप हमें इस विश्वास में चला रहे हैं इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं सभी बातों को आपके हाथ में और दया में सौंप कर यशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया आमीन आज के लिए इतना ही मैं कहूंगा दस मिनट थोड़ा आगे हो गया तो ठीक है हम फिर मिलेंगे जय मसीह धन्यवाद Grace Gospel TV an interdenominational missions TV in association with Grace Gospel Mission By running this YouTube channel we want to spread the true gospel of God. Like our Facebook page and YouTube channel. And watch our playlist of eternal forgiveness of sin. Thank you.